10 नवंबर 2019 को जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है उसमें ये चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थल यूनिवर्सिटी इन भक्कर जो है ये भक्कर में थल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसकी अप्रूवल दे दी है और डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्टिव दी है कि उसके लिए लैंड जो है अक्वायर की जाए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की ये जियो न्यूज़ ने खबर पब्लिश की है कि उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अब यूनिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि यूनिवर्सिटी में पता चले कि कौन स्टूडेंट है या कोई एक्सटर्नल। अच्छा, उसके बाद सेनेट बॉडी डायरेक्ट से एचईसी टू प्रोवाइड फंड्स टू द यूनिवर्सिटीज, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब की मौजूदगी में हुई और उसमें ये डायरेक्शन दी गई एचईसी को कि यूनिवर्सिटीज को फंड्स प्रोवाइड किए जाए। उसके बाद हुवावे और एचईसी के दरमियान जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला है उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुवावे ने ट्रेनिंग करवाई है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं उनको। ये फ्यूल इफिशियंट कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इन कराची पार्क व्हील्स के पोर्टल पे है जिसमें जो गाड़ी के जो फ्रेम है जो कार्बन का यूज करके और जो इस स्ट्रक्चर में उन्होंने चेंजेस किए हैं जिसके थ्रू फ्यूल इफिशेंसी आई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी पाकिस्तान में अब आ चुकी है तो ये चीज़ जो है स्पेशली इस तरह की जो इनोवेशंस हैं उससे आसानी होगी कार मैन्युफैक्चरर्स जो है इनको अडॉप्ट करें। देन ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने जो है होम बेस्ड वर्कर्स और यंग वर्कर्स कमेटी ये दो जो है ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें निमरता जो यूनिवर्सिटी लाड़काना की स्टूडेंट थी उसके हवाले से भी प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि जी वर्क प्लेस जो हरासमेंट है उसको ख़त्म किया जाए।